पार्टिसिपेट किए हैं और आज उन्हें भी आर्य कॉलोनी के इस प्रांगण में, पिकनिक गार्डन के प्रांगण में, आज 12 साल से ये गार्डन बंद था, 12-15 साल से, जो इसका कोई मेंटेनेंस नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। और जिस समय ई टेंडर हमने पार्टिसिपेट किया, हमारी टेंडर पार्टी पास हो गई, हमारी कंपनी इस आर्य पिकनिक गार्डन में टेंडर पास होने के बाद, हमारी ये जो प्रोविजन थे, हमारी जो प्रपोजल थे, उन्होंने कहा कि उन्हें पसंद आई है, डिपार्टमेंट शासन को पसंद आई है, उन्होंने हमें NOC दिया है और बाकायदा हम लीगल वे से काम कर रहे हैं, हम कोई इनलीगल काम नहीं करना चाहते हैं और आगे करेंगे भी नहीं। हमें लिटिगेशन आ रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम आ रही है, पर हम उसको सफ़र कर रहे हैं, पर हमें शासन से बहुत अच्छी मदद मिल रही है, शासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में पिकनिक गार्डन को ब्यूटिफिकेशन गार्डनिंग बोला जाए तो मिनी एम्यूजमेंट पार्क जैसा हम बनाना चाहते हैं। कोई अतिरिक्त गलत हमारी आर्य पिकनिक गार्डन में हम कोई ऐसे हमारी मंशा नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि शासन हमारे साथ खड़ी है, हम शासन की इज्जत और शासन के मान सम्मान के हिसाब से और आने वाले पर्यटकों को यहाँ पे जो भी उन्हें मदद रहेगी, सहूलियत रहेगी, हम उनको हर तरह की सुविधा देंगे। पब्लिक के मनोरंजन के लिए क्या क्या संसाधन है और ये कब शुरू होगा? पब्लिक के मनोरंजन के लिए हम बना रहे हैं गेमिंग जोन, पब्लिक के फास्ट फूड कैफेटेरिया हम बना रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे शूटिंग के लिए आ रहे हैं इवेंट के लिए कि हमें जगह दीजिए, हमें शूटिंग वालों फिल्म सिटी से आ रहे हैं कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर फाइनेंसर कि हमें जगह दीजिए 6 महीने 7 महीने के लिए, हम यहाँ पे शूटिंग करना चाहते हैं, ये लोकेशन हमें बहुत पसंद आई है। आज पर हम वही कोशिश हम कर रहे हैं कि जो ट्रेंड के आधार पर, मेरा ऐसा कोई सील वर्क नहीं है और आने वाले मनोरंजन पार्क के लिए जो भी हैगा फर्स्ट एड से लेके एम्बुलेंस तक हम यहाँ पे खड़ा रखेंगे। कुछ ऐसा नहीं है, हमने गवर्नमेंट से टेंडर पे लिया है और 5+5 के उस पर है और हम चाहेंगे कि उसको हम अच्छी तरह से चलाएं, इसको हम पूरा ऐसे बनाएंगे जैसे कि इको फ्रेंडली सिस्टम में रहे। छोटा सा उद्यान, छोटा सा गार्डन भी सामने सेंटर, हाँ हाँ, तो भी बड़ी मेहनत लगती है जी। इसके लिए आपके पास क्या विज़न है, आपकी टीम के पास? देखिए, विज़न ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ गार्डन बनाने का विज़न है, हम बहुत अच्छा पक्षी घर बना रहे हैं जो बम्बई के आसपास तो कहीं नहीं होगा, विदेशों से सब आ रही हैं। आपको छपकली आपके जितने साइज़ की मिलेगी 6 फुट की, और बच्चा जो है उसके साथ खेलेगा, और मतलब सब विज़न बहुत क्लियर है कि पूरा पूरा पिकनिक पॉइंट पूरा दिन के लिए लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ। सर आप बताइए कि सरकारी BMC की ओर से और सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए आपको क्या अतिरिक्त मदद मिल रही है, क्या मदद कर रहे हैं? हमें माननीय मंत्री महोदय के पाटिल साहब